أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज के देखिए थंबनेल टाइटल या हेडलाइन देखिए, अल्लाह की कुदरत। ये वीडियो अल्लाह की कुदरत के मुतालिक जा रहा है। नीचे हमने बैकग्राउंड में कुरान शरीफ को लिया है, द कुरान, उसके ऊपर देखो लाल कलम से लिखा है अल्लाह की कुदरत, और हिंदी में थोड़ा दूसरी तरह से लिखा है प्रकृति का अनोखापन, और इंग्लिश में पीले में मैंने लिखा है वंडर ऑफ नेचर। तो आज हम लोग कलकत्ता में एक बॉटनिकल गार्डन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बी गार्डन कहते हैं, बॉटनिकल गार्डन है। उस बॉटनिकल गार्डन में एक बहुत ही कुदरत का करिश्मा वाला पेड़ है। मैं 15 साल से करीब करीब रहता हूँ कलकत्ते में, मैं सुनता था, लेकिन आज पहली बार मैं गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, मैंने खुद बहुत से वीडियोज़ बनाए हैं, फ़ोटोज़ भी लिए हैं। अभी आगे मैं एक अपना करीब करीब 3 मिनट का वीडियो, रॉ मतलब बिना एडिट किया हुआ वीडियो आप देखेंगे। मैंने खुद मैं बोलता रहा हूँ बीच में और बनाया हूँ उस पेड़ का। उस पेड़ के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। उस पेड़ को इंग्लिश में बनियान ट्री कहते हैं, इंग्लिश में बनियान ट्री कहते हैं, और इसे हिंदी में वट या बड़ भी कहते हैं, हिंदी में वट और बड़ भी कहते हैं। यह एक स्थलीय द्विपत्री यौन सपुष्टक वृक्ष है। इसका तना सीधा यौन कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं तथा बढ़ते हुए धरती के भीतर घुस जाती हैं, यौन स्तंभ बन जाती हैं। ये है, इसके डिस्क्रिप्शन में इंटरनेट पे मौजूद है। लिहाजा ये अल्लाह की कुदरत नेचर के मुतालिक है, वंडर ऑफ नेचर, प्रकृति का। देखिए मेरा वीडियो आया, पहले सुने, उसके बाद थोड़ी सी बात मिलाएंगे इंशाल्लाह। द ग्रेट बेनियन ट्री इन बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता। द ग्रेट बेनियन ट्री इन द बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता। ये पूरा एक ही पेड़ है, चारों तरफ से लोहे की ग्रिल लगी हुई है, इस पे गवर्नमेंट ने लगा रखी है। कहने की जरूरत नहीं, द ग्रेट देखिए लिखा हुआ है। देखिए गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया है, बहुत बड़ा बोर्ड है ये, बेनियन ट्री, द ग्रेट बनियान ट्री, द ग्रेट बनियान ट्री, द ग्रेट बनियान ट्री, द ग्रेट बनियान ट्री इन द बोटेनिकल गार्डन, बी गार्डन इन द कोलकाता सिटी। ग्रेट बनियान ट्री, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आज का वीडियो छोटा ही रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही जानकारी है। देखिए ये मेरा फ़ोटो है, ये मैं बहुत दूर पे बैठा ऐसा ऊंचाई पे बैठ के
मैंने सेल्फी लिया, समझ लीजिए मेरा फोटो है। इसके पीछे जो हरा हरा देख रहे हैं आप बड़ा पेड़ की तरह, वही है द बनियान ट्री, द ग्रेट बनियान ट्री, द ग्रेट बनियान ट्री बार बार कहा जाता है। इसको हिंदी में वट कहते हैं और बड़ भी कहते हैं, द ग्रेट बनियान ट्री, आपने आगे भी देखा। अब इसके मुतालिक दो चार बातें मैं बोल दूँ। एक तो करीब करीब नियर अबाउट ये आधा किलोमीटर में एक ही पेड़ की छत्र छाया है, आधा किलोमीटर तक, 500 मीटर तक करीब करीब। दूसरे इसकी हिस्ट्री लोग बताते हैं कि करीब 7000 साल पुराना ये पेड़ है, 7000 बरस ये पुराना पेड़ है। और गवर्नमेंट का वहाँ बोर्ड लगा है, उस पर जल्दी जल्दी में शाम हो गई थी, मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, लेकिन 240 साल कुछ भी लिखा हुआ है, वो आप लोग देख लें, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट खींचा था, 240 बरस। ये दो बातें हो गई। और बोटेनिकल गार्डन के बारे में मैं बता दूं कि मैं करीब 15 साल से कलकत्ता रहता हूं, लेकिन मैं बहुत सुना था इसका नाम, आज पहली बार जाके देखा हूं, मैंने खुद वीडियो बनाया, मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूं इसको। और एक तो इसकी ये है खासियत कि बहुत बड़ा, मतलब कई किलोमीटर में ये गार्डन है, और आधा किलोमीटर के करीब करीब तो ये अकेला पेड़ है। यही पेड़ ऐसा है जो पूरे दुनिया में मशहूर है, एशिया में मशहूर है, पूरे दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो रिसर्च करने को आते हैं इसके लिए। एक तो बात ये हो गई, बहुत से फॉरेनर हमेशा आते हैं। दूसरे बोटेनिकल गार्डन जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसलिए भी ऐतिहासिक और ख़ास है, हिस्टोरिकल है, कि GT रोड जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोड है, या गालबन दुनिया में तीसरे चौथा नंबर का सबसे बड़ा रोड है, GT रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, जिसे किसी ज़माने में शेर शाह सूरी ने बनवाया था और सोचा था कि हिंदुस्तान से लेके और मक्का मदीना तक बनवाएंगे। लेकिन चलिए, यही बोटेनिकल गार्डन, कलकत्ता के इसी बोटेनिकल गार्डन से शुरुआत हुई है GT रोड की, और करीब पूरे हिंदुस्तान को क्रॉस करके, पाकिस्तान को क्रॉस करके, आज काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक तो है GT रोड। इसलिए मेरे भाई, ये बहुत बेहतरीन और बहुत अहम जानकारी थी मेरे निगाह में, ए अल्लाह की कुदरत ही है। देखिए, अल्लाह का नाम का पंपलेट मैं भेज रहा हूँ, इसीलिए मैंने आज के वीडियो का थंबनेल, टाइटल, हेडलाइन लगाया अल्लाह की कुदरत, प्रकृति का करिश्मा। अजूबा है ये पेड़, अजूबा है। इसको पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं देखने और रिसर्च करने। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम भी पूरी फैमिली के साथ गए थे, हमने भी वीडियो बनाया है, और कुछ वीडियोज़ हैं, मैं इंशाल्लाह फिर दूसरे वीडियो में उसको डालूंगा। इसलिए आज का मैंने टाइटल बनाया कुदरत का करिश्मा, अल्लाह की कुदरत। अब उसके बाद ये पेड़ बहुत ही ऐतिहासिक है, 7000 साल अगर कहा जाए तो हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का हो सकता है। और अगर 240 साल ही अगर कोई लिखा है जो बोर्ड पे, उसी को कोई पकड़ ले तो कम है क्या? बहुत बड़ी बात है तब भी, क्योंकि ऐतिहासिक है और अजीबोगरीब है भाई, बहुत अजीबोगरीब है। इसलिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों तक शेयर करें। आज हमारा पिकनिक था छोटा मोटा, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हम बाहर गए थे। अल्लाह से दुआ है, लास्ट में, आखिरी में, जैसा मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमको और आपको दुनिया की हर चीज़ में अल्लाह की कुदरत समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको भी, आपको भी दुनिया में सच्चा पक्का मुसलमान बन के और अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पे चलाएं, तौहीद परस्त मुसलमान बनाएं, और बिदअत और खुराफात से दूर रखें, और दुनिया और आखरत की हर भलाई और कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल व करम से हमको भी, आप सभी हजरात को अता फरमाएं। मेरी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में यही दुआ है, आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन।